प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय 36 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब हिजकिया और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह काम एकाएक हो गया था। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा हिजकिया ने अपने मन में एक बात का निर्णय किया कि उसने मंदिर की, परमेश्वर के मंदिर की उपासना को ठीक करना चाहा। जो भी काम खराब हो रखे थे, हिजकिया ने सोचा कि मैं इन्हें ठीक कर दूंगा, और उसने सारी प्रजा से कहकर जो जो काम मंदिर में रुका हुआ था, ये पर जो जो काम मंदिर का करना था वो उसने किया। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि हिजकिया और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए। किस काम के कारण? जो उन्होंने किया था, जो मंदिर की उपासना को उन्होंने ठीक किया, या फिर जो भी काम था मंदिर का वो उन्होंने कर दिया। और उस काम को करने के बाद वे सब लोग बहुत ज्यादा आनंदित और खुश हो गए। क्यों? क्योंकि लिखा है वो काम एकाएक हो गया, यानी कि वो काम अपने आप बहुत आसानी से हो गया, और ऐसे पूरा हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। इसलिए लिखा है क्योंकि वो काम एकाएक हो गया, इसलिए वे लोग बहुत आनंदित हुए, खुश हुए। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, मेरे अनुसार या फिर ऐसा हुआ होगा कि जिस काम को करने में उन्हें 2-3 महीने लग जाते, उस काम को उन्होंने कुछ ही दिन में कर दिया। जैसे नहमिया के साथ में हुआ, जिस दीवार को बनने में कई समय लग जाता, उस दीवार को उन्होंने मात्र 52 दिन में बना दिया। तो इसको कहेंगे कि परमेश्वर ने उस काम को उनके जीवन में एकाएक कर दिया, अचानक से उस काम को पूरा कर दिया, और इस कारण वे लोग खुश हो गए और आनंदित हो गए। दोस्तों आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसे काम हो जो बहुत समय से रुके हुए हों, जिनमें रुकावटें हों, बाधाएं हों, और आप उनके लिए चिंतित हों, परेशान हों, प्रार्थना कर रहे हों, परंतु सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर उन कामों को आपके लिए एकाएक कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप खुश होंगे, फिर आप आनंदित होंगे और खुश होंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उस कार्य को आसानी से कर देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? जो बातें हमारे लिए असंभव हैं वो परमेश्वर के लिए संभव हैं। परमेश्वर उस कार्य को आपके लिए करेंगे जिस कार्य के लिए आप चिंतित हैं, निराश हैं, परेशान हैं, वो रुका हुआ काम जिसमें बाधाएं हैं, वो बंद दरवाजे जिन्हें आप अपनी सामर्थ्य नहीं खोल पा रहे हैं, जिनके लिए आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एकाएक कर देगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो वो विश्वास योग्य है, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। जिस प्रकार से राजा हिजकिया और प्रजा के लिए वो कार्य एकाएक हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला, बहुत जल्दी से वो कार्य हो गया और वो देखकर बहुत खुश और आनंदित हुए, उसी प्रकार से ये काम जो काफी समय से रुका हुआ है, ये फिर काफी समय से, लंबे समय से नहीं हो पा रहा है, ये फिर आप उसके लिए लंबे समय से चिंतित हैं, परमेश्वर उसे एकाएक आपके जीवन में पूरा कर देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों इसमें होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरी बेटी कुछ दिनों पहले मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लूज मोशन भी लगा था इसको। मैंने ब्रदर और सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने इसके लिए प्रेयर करके दी। उसी रात ये चंगी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, बुखार भी नहीं था। प्रभु ने मैं इसके जीवन में कार्य किया एक दिन में। और मेरी और एक गवाही है, मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, मुझे चलने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन मैं प्रार्थना सुनी। एक बार सिस्टर ने बोला, अपने दर्द की जगह हाथ रखो, चंगे हो जाओगे। मैंने अपनी दर्द की जगह हाथ रखी, मैंने अपने घुटनों पर हाथ रखी, और प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया, मेरा दर्द ही गायब हो गया। मेरी ये सबसे बड़ी गवाही है। मैं सच में प्रभु यीशु का और पीके भैया का और अमृता सिस्टर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनकी मिनिस्ट्री को ऐसे ही बढ़ते जाओ, मैं प्रभु का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।
आइए हम सब मिलकर आज के इस भोर के प्रकाश में, आज की सुंदर सुबह में यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं क्योंकि आप एक ऐसे जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जो आपके समीप आपके मित्र बनकर और आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आपके साथ में मौजूद है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु, हमारे उद्धार करने वाले राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में आप अच्छे आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर है पिता। धन्यवाद कि प्रभु जी आप जीवित और जिंदा परमेश्वर है प्रभु। आपके जिंदा और पवित्र नाम की तारीफ हो, आपकी जय जयकार हो। ओ हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी, हमारी चट्टान, हमारा बना आने वाला, हमारा रचने वाला प्रभु, तेरी महिमा बड़ाई और प्रशंसा हो पिता। लॉर्ड आप अपने लोगों के लिए असंभव बातों को संभव करने वाले प्रभु हैं, उनकी ओर दृष्टि करने वाले प्रभु हैं, उनके प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। जो कल्पनाएं उन्होंने कभी नहीं की, वो उन बातों को कुछ ही समय में पूरा करने वाले परमेश्वर है खुदा। आपकी महिमा हो पिता। लॉर्ड आज की सुबह में आपका धन्यवाद करते कि रात भर में संभाल कर ये सुंदर दिन प्रभु आपने हम सब भाई बहनों जीवन में जोड़ा है प्रभु जी। ये दिन प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए आशीष भरा होने पाए, ये दिन इनके लिए प्रभु बहुत सारी ब्लेसिंग्स को, बहुत सारे आनंद को प्रभु जी, बहुत सारी खुशियों को इनके जीवन में लेकर आए। प्रार्थना है परमेश्वर कि इस दिन में परमेश्वर के सारे रुके हुए काम पिता आज यीशु के नाम से पूरे होने पाए मेरे प्रभु जी। जिस प्रकार हिजकिया राजा ने प्रभु जी ये निर्णय लिया था प्रभु जी, और प्रभु वो उसकी सामर्थ्य से नहीं हुआ, वरन प्रभु तूने उनके लिए, हां मेरे प्रभु तूने उनके लिए उन बातों को एकाएक पूरा किया। उसी प्रकार यीशु मसीह इन भाई बहनों के लिए जो रुके हुए काम कई सालों से हैं, जिनके लिए प्रभु कई समय से ये प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ प्रभु उन बंद दरवाजों के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु कई समय से ये अपने परिवार के लोगों के जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज ये जिस भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो इनके जीवन में एकाएक पूरे हों पिता, एकाएक इनके जीवन में वो बातें पूरी हो जाएं पिता परमेश्वर। लॉर्ड ब्लेस करे पिता, ब्लेस करे अपने लोगों को खुदावन, इनके रुके हुए काम यीशु मसीह नासरी के नाम से आज के दिन से बनने शुरू हो जाए पिता। हर एक बंद दरवाजा यीशु के नाम से आज के दिन से इनके लिए खुल जाए प्रभु जी। आशीषों के दरवाजे आप इनके लिए खोले, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए आप, न्यू अपॉर्चुनिटी आप इनके लिए खोले खुदावन। प्रमोशंस आप इनके जीवन में दीजिए परमेश्वर, और हर एक रुकावटें बाधाएं मुश्किलें इनके जीवन से दूर करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। लॉर्ड इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बीमारी में है, कोरोना से ग्रसित है, नाना प्रकार की बीमारी से, दर्द से, सर्दी जुकाम बुखार से प्रभु जी बीमार है खुदा, ग्रसित है पिता, आपसे विनती है प्रभु जी कि अपने उस चंगाई भरे हाथ को, हाँ प्रभु उस छिदे हुए सामर्थी हाथ को इन पर आप रखे मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त आपके बेटे बेटियां चंगे हो जाएं, उन बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से। हर एक कोरोना वायरस निकल कर चला जाए, हर प्रकार की बीमारी निकल कर चली जाए, हर प्रकार का दर्द निकल कर चला जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार की एलर्जीज निकल कर चली जाए खुदावन, ये हील हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा वचन तेरे बेटे बेटियों के जीवन में पूरा हो। जब आज ये घरों से बाहर निकलते हैं किसी भी काम को करने के लिए प्रभु, उस काम में आप सफलता दें, ये जिस काम पर आज के दिन में हाथ लगाएं वो काम आशीषित होने पाए, वो सफल होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना है परमेश्वर आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा दें मेरे प्रभु, इनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद, दुर्घटना खतरे मुसीबतों से, दुष्ट की बुरी बातों से आप इन्हें बचाएं, हर एक पाप करने से आज आप इन्हें बचाएं, इनकी सारी जरूरतों को आज के दिन में पूरा करें। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरत अपने महिमा में धन से पूरा कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं। इन भाई बहनों को जो हमें निरंतर कमेंट्स करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से आप उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दें पिता। वो आपके बेटे बेटियां हैं, आपके भूखे प्यासे हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, आपकी पवित्र प्रजा है, आप उनके लिए उन बातों को एकाएक पूरा करें पिता, ब्लेस करें पिता। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड हम सबकी विनती को सुनने के लिए यीशु, हम सबको ब्लेस करने के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल और महिमा प्रेम आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।